हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 8 मैथमेटिक्स वर्कशीट 5 एंड डेट इज 6 अक्टूबर 2020 एंड टॉपिक ऑफ द वर्कशीट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो लास्ट क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था किनका, जिनके सेम डिनोमिनेटर्स थे। तो और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले रैशनल नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। So, let us consider a situation. Pintu gave 2/3 parts of his chocolate to his father and 1/5 parts of the same chocolate to his sister Pinky. How many parts of his chocolate did he give to both and how many parts of the same is left with him? तो पिंटू ने एक ही चॉकलेट में से 2/3 पार्ट दिया पापा को और 1/5 पार्ट दिया अपनी सिस्टर को। और उसी चॉकलेट में अब उन दोनों को देने के बाद उसके पास कितना चॉकलेट बच गया ये हमें बताना है। तो 2/3 पार्ट्स का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से हमने 2 दे दिए। 1/5 का मतलब 5 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 1 पार्ट जो है उसने वो सिस्टर को दे दिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक चॉकलेट के 3 पार्ट्स और 5 पार्ट्स डिफरेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेंगे 3 और 5 का LCM और 3 और 5 का LCM आएगा 15। तो अब हम चॉकलेट के 15 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो हमने यहाँ चॉकलेट के 15 इक्वल पार्ट्स किए। अब 2/3 उसके डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हमें मिल गया 10/15। सिमिलरली 1/5, तो 5 को 15 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल गया 3/15। अब हम इसे डायग्राम में शो करेंगे। 15 पार्ट्स में से यानी 10 पार्ट्स आउट ऑफ 15 उन्हें हमने शेड कर दिया, ये शेडेड पोर्शन आ गया। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 15 यानी 3 पार्ट्स जो हैं वो हमने एक और फिगर में शो कर दिए। तो 10 पार्ट्स यहाँ पर और 3 पार्ट्स यहाँ पर, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 10+3 मीन्स 13/15। तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो डिनोमिनेटर इज सेम, 10+3 इट मीन्स 13/15। तो ये है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ चॉकलेट गिवन टू हिज फादर एंड सिस्टर। अब हमें बताना है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द सेम इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास अब कितना पार्ट रहा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले उसके पास कंप्लीट चॉकलेट थी यानी फुल 1 चॉकलेट, 1 का मतलब हो गया 15 आउट ऑफ 15 पीसेस सब उसी के पास थे। अब 13/15 यानी 13 पीसेस उसने जो है वो अपने फादर और सिस्टर को दे दिए, यानी अब उसके पास कितना पार्ट बच गया, सिर्फ ये पार्ट। और ये कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, 1, 2 यानी 2/15, 15 पार्ट्स में से अब उसके पास 2 पार्ट्स बचे। और मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, 15/15 - 13/15 और ये LCM 15 हो गया, 15 - 3 इज 2/15। हो गया ये भी सॉल्व। तो हमने कैसे डायग्राम से शो करके जो हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन था वो भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का, वो हमने शो कर दिया, उसे सॉल्व कर दिया। अब है सॉल्व दीज गिवन सम्स बाय डायग्राम मेथड। 3/8 - 1/4, 4/7 + 3/5 एंड 2/9 + 1/3। तो इसे भी हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/8 - 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। तो LCM ऑफ 8 और 4, इनका LCM क्या आएगा, 8। तो अब हमने यहाँ पर 3/8 डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ 4 को 2/8 बनाने के लिए हमने 2 से डिनोमिनेटर को और 2 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 3/8 - 2/8। अब हम इसे डायग्राम में शो करते हैं 3/8। अब ये 8 इक्वल पार्ट्स हैं इस डायग्राम में, इसमें से 3 पार्ट्स हमें शेड करने हैं। तो ये हमने 3 पार्ट्स शेड कर लिए। माइनस कितना है, ये तो 3/8 हो गया, माइनस करने हैं हमें 2/8 यानी 2 पोर्शंस जो हैं आउट ऑफ 8 वो हमें इसमें से माइनस करने, यानी हम 2 पोर्शंस को शेड कर देते हैं। जब हम 3 पोर्शन में से ये 2 पोर्शंस गायब कर रहे हैं तो हमारे पास कितना रह गया, ओनली 1 पोर्शन इज लेफ्ट, इट मींस 1 आउट ऑफ 8।
अब मैथमेटिकली देखें, डिनोमिनेटर सेम है तो 8, और ये 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/8। तो डायग्राम से और मैथमेटिकल फॉर्म से, दोनों से हमें सेम आंसर मिल रहा है, दैट इज 1/8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 4/7 प्लस 3/5। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज 35। तो 7 को 35 बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 20/35। सिमिलरली 3/5 में 5 को 35 बनाने के लिए हमने 7 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर भी 7 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 21/35। तो अब हमें 20/35 ये इस डायग्राम में शो करना है। तो ये टोटल 35 पार्ट्स हैं जिसमें से हमें 20 पोर्शंस को क्या करना है, शेड करना है। तो 20 पोर्शंस का मतलब ये हमारे 4 लाइंस जो हैं ये हमने शेड कर दी। ये हो गया हमारे पास 20 पोर्शंस। अब नेक्स्ट क्या है, 21/35, यानी इस फिगर में हमें 21 शो करना है। तो 4 लाइंस तो हमें पता है हमारी 20 की हैं ही, और उसके साथ एक पोर्शन और ले लिया 1, यानी 21/35। अब 20 पोर्शंस यहाँ से और 21 पोर्शंस यहाँ से, टोटल कितने पोर्शंस हो गए, 41। और हमारे एक डायग्राम में तो 35 ही पीसेस हैं, सिर्फ 35 इक्वल पार्ट्स हैं, हम 41 पोर्शंस कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा 35 पीसेस जो हैं या 35 जो पार्ट्स हैं ये हम कंप्लीट ले लेते हैं। अब हमारे पास कितने बच गए, 41 तो टोटल है, 35 हमने शेड कर दिए, तो बचे हमारे पास 6। तो 6 पोर्शंस जो हैं वो हम शेड कर देंगे यहाँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पोर्शंस हमने यहाँ शेड कर दिए। तो यहाँ तो हमें मिला 35 आउट ऑफ 35, यानी कंप्लीट 1, और यहाँ 6 आउट ऑफ 35, यानी 6/35। तो अब मैथमेटिकली इसे देखें, 20/35 प्लस 21/35 मीन्स 35 डिनोमिनेटर बन गया, 20 प्लस 21 दैट इज 41/35। तो हमें यहाँ पर 41 ही मिल रहे हैं पीसेस। अब क्या करना है, इस 41/35 को हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 35 वन ज़ा 35, ये 6 बचा तो क्या बन गया, 1 and 6/35, यानी 1 कंप्लीट पोर्शन एंड 6/35 फ्रैक्शन में आ गया। तो हमें सेम आंसर मिल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2/9 प्लस 1/3। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 9। 2/9, 9 का तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 9 है, और 3 को 9 बनाने के लिए हमने 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 2/9 प्लस 3/9। तो अब हमें फिगर में 2/9, यानी ये 9 इक्वल पार्ट्स हैं फिगर में, इसमें 2 पार्ट्स हम शेड कर देंगे, तो ये बन गया 2/9। सिमिलरली इसमें ऐड करना है हमें 3/9, तो 9 में से 3 इक्वल पार्ट्स हम और ऐड कर देते हैं, ये 3 इक्वल पार्ट्स आ गए, यानी ये हो गया 3/9। तो 2 पार्ट्स हमें यहाँ मिले और 3 मिले यहाँ, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 5, 1, 2 and 1, 2, 3, 5 पार्ट्स। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5/9। और मैथमेटिकली देखें तो 9 तो डिनोमिनेटर है, 2 + 3 दैट इज 5/9, सेम आंसर मिल गया हमें। तो ये हमने डायग्राम से क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यू हैव अ पेज एंड वांट टू गिव 1/2 पार्ट ऑफ दिस पेज टू पिंटू एंड 1/4 पार्ट ऑफ द सेम पेज टू चिंटू, हाउ विल यू डू दिस, हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम हैड यू। कि अब एक पेज है उसका हाफ पार्ट हमें देना है पिंटू को और 1/4 पार्ट देना है चिंटू को, और ये भी बताना है कि हमारे पास कितना पार्ट बचा। तो अब 1/2 and 1/4, एलसीएम क्या आएगा, 4। तो यानी जो हमारा पेज है डायग्राम मेथड से हम देखें तो उसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब हम उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ईच पार्ट हमारा क्या हो गया, 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4। अब हमें 1/2 यानी हाफ,
इसके हाफ, फोर पार्ट्स के हाफ क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स। यानी ये टू पार्ट्स हमने किसको दे दिए, ये हमने दे दिए पिंटू को। ओके, वन फोर्थ पार्ट देना है हमें चिंटू को, यानी ये जो पार्ट है ये हमने दे दिया चिंटू को, और बचा कितना हिस्सा हमारे पास, 1/4। तो वन फोर्थ पार्ट जो है, हाउ मच पार्ट है ना, तो वन फोर्थ पार्ट जो है ऑफ द सेम वी हैड, हमें इतना हिस्सा मिल गया। तो इस तरीके से हम डायग्राम मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।